डेफने, अब आ भी जाओ लड़की, आराम से बैठ के इंतजार करो मेरा, मैंने कहा था तुम्हें। ये कौन है? वो फेमस शख्सियत है, किसी मॉडल जैसी लगती है। दानिश प्लीज दरवाजा खोल दो, लैला कुछ भूल गई होगी। परफेक्ट टाइमिंग। दानिश कौन आया है? यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, क्या हुआ? देखो सही जवाब दो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बस डेफने के साथ कहीं जा रहा हूँ। क्या मतलब कहीं जा रहे हो तुम उसके साथ? हाँ, तुम क्यों हमसे ये उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो? जो नजर आ रहा है वही पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा तो ऐसा क्या नजर आ रहा है तुम्हें? जरा हमें भी तो समझाओ तुम, क्या नजर आया? अगर कोई भी ऐसी वैसी बात होती तो हम दोनों तुम्हें यहाँ पर खड़े हुए नजर नहीं आते, बल्कि हम दोनों अंदर सुकून से बैठकर बेडरूम में बातें कर रहे होते। क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? हाय देयर, ये क्या हो रहा है यहाँ? भाई मेरी बात सुने, मैं तो नहा रही थी कि इतने में ये दोनों आ गए और इन दोनों ने इतनी बेल्स बजाई कि मजबूरन मुझे इसी हालत में बाहर आकर दरवाजा खोलना पड़ा इनके लिए। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि मुझे इन दोनों को ऐसी हालत में अंदर नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, गलती हो गई है मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी आप आखिरी गलती समझ लीजिए बस। भाई आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर ये दोनों मुसलसल बेल्स बजाते रहते तो बेल खराब भी हो सकती थी और आपके लिए ही काम बढ़ जाता। भाई मुझे तो आपकी फिक्र रहती है बस आजकल। किसी को होश ही नहीं, सब अंदर आराम कर रहे हैं, दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। देखो तो कोई भी अंदर आ सकता है, अंदर लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? तुम चलो अंदर, जाओ भी, चलो चलो अंदर जाओ। ये क्यों लाए हो? आप भी चले अंदर। अरे मैं क्यों जाऊं बाथरूम में? ऐसी हालत के साथ मिलेंगे, चले अंदर, चले। चलो अब मौका मिला है तो कुछ बात ही कर लेते हैं हम। हाँ कर ले। अरे आराम से, क्या कर रहे हो ये तुम लोग? क्या कर रहे हो? आराम से, देखो तो मेरी प्यारी सारी जान आ गई है, वो भी हमें बताए बगैर। आने से पहले कॉल ही कर देती हमें कि आप हमसे मिलने के लिए आ रही हैं। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। ज्यादा मीठी मत बनो। हाँ। सीधी बात बताओ, आखिर किसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? ये भी जानती है? लेकिन दादी कसम से ऐसी कोई बात नहीं है।